मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर खबर चल रही है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इलहान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इलान हुमर को संसद से बाहर। मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है उसमें, वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। चुके क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका, वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। लेकिन जहां पाकिस्तान इफेक्ट होता है, जहां पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं। वक्त तक अभी तक आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखे अब जब अपना आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं, उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। पाकिस्तानी भक्त और भारत विरोधी इलहान उमर को अमेरिका में जोरदार झटका लगा है। भारत के खिलाफ बोलने वाले इलहान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक साथ मिलकर बड़ा फैसला किया और इलहान उमर को संसद से में आई है। इलहान उमर को अक्सर भारत के खिलाफ बोलते हुए देखा जाता है, वो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर अपने विचार रखती हैं। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करते हुए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आई थी। वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आई, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठकों में हिस्सा लेती नजर आई है। इलहान उमर को कई मौकों पर भारत और भारत के समर्थकों के खिलाफ देखा गया है। कौन है इलहान उमर? इलहान उमर 2019 में मिनेसोटा से सांसद चुनी गई। वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंची। इतना ही नहीं, वे संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी है। वे अमेरिकी संसद पहुँचने वाली पहली दो मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी शामिल है। इलहान उमर को अमेरिका के निचले सदन में विदेश मामलों की समिति में सदस्य चुना गया था और उनकी एक हरकत ने उन्हें समिति से बाहर कर दिया। इलहान उमर कश्मीर मोदी सरकार को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी। इलहान उमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से भी काफी नाखुश नजर आई थी। इतना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सदन से दूरी बना ली। इलहान उमर बार बार कई मौकों पर भारत विरोधी नारे देती हुई नजर आई। एक तो ये कि इनके जो तजारती इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के जो बायलैटरल ट्रेड है वो 191 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, उससे बल्कि थोड़ी सी ज्यादा भी है। तो अव्वल तो ये कि इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो डिफाइन कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल को। दूसरा पहलू मैं समझती हूँ जो शायद ज़्यादा अहम है, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है। कन ड्रोन्स हिंदुस्तान खरीदेगा और दोनों ममालिक में जॉइंट कोऑपरेशन होगी कि वो जेट फाइटर इंजन्स बनाएंगे भारत में। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसमें कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल दिया है, उसका भी जॉइंट स्टेटमेंट में तस्करा है, बल्कि उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी तस्करा है। लेकिन मायूस कन बात यह है कि इसके बावजूद कि 75 कांग्रेसमैन ने खत लिखा, लेकिन जहां पाकिस्तान इफेक्ट होता है, जहां पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले से है। इसलिए कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि इस खित्ते में एक
इम्बैलेंस है कन्वेंशनल और स्ट्रेटिजिक। और अगर अमेरिका जिस तरह से वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो उनके पॉलिसी एक्शंस हैं उससे वो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटिजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो और मजबूत और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है देखें इससे फिर खित्ते में इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंटेंसीफाई करेगा और उसके फिर असरात जाहिर है पाकिस्तान पे ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान मैं समझती हूँ कि इस बात पे भी मायूस होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में एक तस्करा है पाकिस्तान के बारे में जो मैं समझती हूँ बिल्कुल ही बेसलेस है और अनजस्टिफाइड है, और वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान को लाजिम है पाकिस्तान पे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की रोकथाम, हमारे लोग ना वहाँ पर जाके भीख मांग रहे हैं। क्यों, क्या, किस वजह से बैन होते हैं वीजे? देखें पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोजगार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए जाते हैं। ये लोग जाते हैं तो इनका फ़र्ज बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्रीज़ को देखेंगे तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वीज़ा देने में मुश्किल आएगी। इस समय कोई दूसरी कंट्रीज़ भी अभी तक इस तरह का, कोई अफगानिस्तान में हमने नहीं देखा यूएई ने उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश के, हमारे नहीं पता चलता, इंडिया की पता करें, इतनी बड़ी बात है, वहाँ से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रही है, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है, ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ही रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अभी अंकल अभी थोड़े आगे आ जाए, आपसे भी इस बारे में डिस्कस करते हैं। जापान के अंदर वीडियो तो देख ली होगी आपने, हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बायकॉट भी चल रहा है, वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई निकलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम, हम क्या इतने करप्ट हो गए हैं, क्या हमारे ये इमेज है दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपने मुल्क और कौम की? ऐसा है, ये तो आप जापान की बात कर रहे हैं ना, अगर मुझसे बात करें या मुझसे पूछेंगे ना, अपने मुशाहदे के मुताबिक आपको बता दूँ कि मेरा एक टूर था बैंकॉक का। अच्छा। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर दो औरतें थी, तीन मर्द थे जी। तो अरबी थे एक साइड पे खड़े, वो औरत उनके पास जा रही है और जाके तो वो बात करती है, तो वो हाथ से ऐसे कर रहे हैं, हम खड़े हैं देख रहे हैं बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक एयरपोर्ट पे। ओके। अच्छा, अब हुआ कि यार ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पंजाबी हैं, वो नज़र आ जाता है ना सर, ये हमारा कौमी अलमिया हो गया है कि हम भीख मांगने पे पता नहीं किस शक्ल में आसानी से, आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना।